नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का YouTube चैनल ब्रिस्टेक में स्वागत करता हूँ। आज हम MP पुलिस एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि पार्ट दूसरा है। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन हमने लास्ट में दिया था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिद्धार्थ। हमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था सिद्धार्थ, लेकिन उनका सही आंसर था, बहुत सारे लोगों का सही आंसर था। तो अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है अपन लोगों का वो क्या हो सकता है। ठीक, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। जो मेरा इस ट्यूटोरियल का पहला क्वेश्चन है वो है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी, मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब से शुरू, मतलब कौन किया था शुरू। तो लॉर्ड मैकाले ने किया था, लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब फ्लाइंग उड़ने वाला सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू और संतरा जो है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदय शंकर किससे संबंधित हैं, मतलब उदय शंकर जो है वो किस एरिया से संबंधित है। तो उत्तर होगा इसका नृत्य। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, मतलब जो संविधान बना है हमारे भारत देश में उस प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो उसका उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो उत्तर होगा इसका जिला परिषद होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी है करवती, क्या है करवती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, मतलब श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है। जैसे भारत में रुपया चलता है तो ऐसे ही श्रीलंका में भी रुपया चलता है, इसका उत्तर होगा रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। अब हमारा ये आज का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो कि मैंने जैसे कि पिछले में पूछा था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सभी लोगों ने आंसर दिया कमेंट में कि सिद्धार्थ है। तो उसी तरह से आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको इसमें कमेंट करना है, कमेंट में बताना है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि अपना जो रिवीजन है वो होता रहता है, और साथ में ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें ढूंढना पड़ता है तो वो एकदम कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है, जिससे हमारी ये जो तैयारी है MP पुलिस की या कंपटीशन की, ये सभी कंपटीशन में आते हैं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस। मैं ये 10-10 करके डेली तैयार करता हूँ, और साथ में मैं प्रिपेयर करता हूँ कि आप सब भी ये सारे क्वेश्चंस तैयार करें, क्योंकि इकट्ठा पढ़ना थोड़ा टफ होता है। इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला है कि 10-10 क्वेश्चंस मेरे क्लियर भी होते जाएंगे, और साथ में एक क्वेश्चन जो कि हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता जाता है, तो हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो पेपर हम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यही रीजन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो कैसे लगती है ये भी बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल ब्रिस्टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको डेली के डेली ये वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप इस तरह के क्वेश्चंस तैयार करते रहें दोस्तों। और इसमें टेक्निकल का भी बहुत सारा कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज हैं, उन्हें भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इस मिशन में जुड़ सकें, हमारे इस चैनल से जुड़ सकें, सब्सक्राइब कर सकें, ताकि उनकी भी तैयारी होती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।